गुड मॉर्निंग गाइस, ये रहा मॉर्निंग व्यू कुर्ग का। यहाँ पर किसी की तो शादी हो रही है, कलर आग से बुझाने लग रहे हैं। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन अवर वे टू द नामरोलिंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एंड हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, सो हम यहाँ पर रुके हैं। रास्ते पर यह हाईवे के रास्ते और कोई होटल है ही नहीं है पूरे रास्ते में, जो भी थोड़े बहुत थे वो सारे बंद थे। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा मैगी खाएंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे। या सो हमने यहाँ ये कांदा भजी और ये कुछ तो बिस्किट काफा बोल रहा था। बंस 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 को कुछ बिस्किट काफा बोल के दे दिए। कांदा भजी और ये डिश की बनाकर दी है। तो कैसे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैंने मैगी दी थी मैंने और अलीशा ने, और मम्मा ने मम्मा और पापा ने इडली दी थी। ना वे आर प्रोसीडिंग, 30 किलोमीटर्स बचे हैं एंड मोनेस्ट्री बहुत सुंदर है। मोबाइल पर तो अच्छी दिख रही थी, लेट्स सी हाउ इट लुक्स विद इन रियल लाइफ। गाइज वे हैव रीच द नामरोलिंग गोल्डन सो गाइज वे हैव रीच द नामरोलिंग मोनास्ट्री द गोल्डन टेम्पल। हम फिलहाल पार्किंग एरिया में, एंड पार्किंग एरिया इज टू क्राउडेड एज यू कैन सी। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, लेट्स गो। होप वहाँ पर थोड़ी बहुत शूटिंग करना अलाउड होगा। चलते हैं, यहाँ से जा सकते हैं सीधे। तो यहाँ पर अलीशा और मम्मा खरीदी कर रहे हैं छोटा सब। कपड़े और बैग्स की दुकान है। रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस भी है यहाँ पर। असं पार्कातल्या या त्याचरा गेट। सो ये एंट्रन्स है यहाँ से टूरिस्ट के लिए। दिस इज द एंट्री टू द पार्किंग। और मम्मा और अभिषेक, ये रहे मॉन्क्स। ये इनके रुकने का एरिया है आई थिंक। बहुत बड़ा और सुंदर है ये मेन डोर बने, हमको साइड से अंदर जाना है। गाइस आई थिंक ये है वो मेन टेंपल जिसके अंदर टूरिस्ट जा सकते हैं। बड़ा मैजिस्टिक है, इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, हम बाद में देखने का ट्राई करेंगे। सब कुछ शाम को जलाते हैं।
वाव हाँ लोकानी घातला ना हाँ बसता बहुत पीसफुल और ब्यूटीफुल जगह है ये रहा एक फाउंटेन सो गाइज ये मेन टेंपल है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना बड़ा फोटो था उस पर ये साइड से एंट्री है उसकी बहुत सुंदर और प्यारी जगह है ये इनके हॉर्न्स होंगे आई थिंक एंड यहाँ पर ये जलाया है लॉर्ड बुद्धा बहुत पता नहीं किस मटेरियल से बना है आई थिंक इट्स अ सिंथेटिक मटेरियल आई थिंक दिस इज अ सिंथेटिक मटेरियल बहुत थिक एंड स्ट्रॉन्ग है ये ठंडा है Let's go here. ये ऑस्ट्रेलियंस है हमने एक से बात करी थी ही वॉज लाइक दे आर हियर फॉर अ वेडिंग इन मैसूर बहुत अच्छी जगह है नाइस एनवायरनमेंट एंड बहुत क्लीन है अच्छा मेंटेन करा है नाइसली मेंटेन रेप्लिका ऑफ पलियुल मोनास्ट्री ये पता नहीं कहाँ है आई थिंक ये उनका मेन होगा लेट्स सी दिस वाओ वाओ नाइस मोनास्ट्री ये रेप्लिका है भाई रियलिटी सोचो क्या होगी अच्छा फाटल्या न्हू आहा पळय ते व्हडले आसता ते तितून सिक्रेट टायप आहा ते कप्स घेऊन येला सो गाइस यहाँ पर ये जो सारी शॉप्स है ना इन शॉप्स को ये मॉन्क्स ही चलाते हैं दिस शॉप्स आर सोर्स ऑफ देयर इनकम
हम सोच रहे थे बिकॉज अंदर कुछ बॉक्स के पास DSLR था, iPhone 14 Pro Max था. So we were wondering what is the source of income. Wow. Laughing Buddha. Nice to see, nice to go. Once broken, considered sold. Ye book stands hai. Ye pots, trays. Bansuri bhi hai. Nice. Yeah, I think that I know my little leader. ये अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट है. चल आने एक ना तो ये कहता ना ये कहीं चल ले ये चल ले लेट्स कीप इट. हाथ वाइब्रेट हो रहा है बिकॉज दिस पोएट्री इज टू ब्यूटीफुल. अब गाइस हम गाड़ी की दूर जा रहे हैं, उमर अली से आगे चल रहे हैं. देखते हैं अगर टाइम मिला तो हम एक तिमैया म्यूज़ियम भी जाएंगे. हम बेंगलोर के लिए निकल रहे हैं, वो तिमैया म्यूज़ियम रास्ते में ही है. सो टाइम मिला तो वहाँ जाएंगे, बेंगलोर में स्टे करके कल हम बिचोलियम के लिए निकल जाएंगे. हम थोड़े फ्रूट्स ख़रीदने के लिए रुके हैं. अलीशा और पप्पा के लिए टेंडर कोकोनट, एंड जब तक वो लोग ये ख़त्म करेंगे मैं और मम्मा यहाँ से कुछ यू नो कॉफ़ी पाउडर एंड कुछ कुर्गी सामान खरीद करेंगे. ये जो लंबे लंबे रास्ते हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ दिस रोड्स आई थिंक कुर्गीज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया. एकदम फॉरेन वाली फील आ रही है. कॉफी बीन्स और ये भी कॉफी बीन्स है वो विच है. गाइस हम यहाँ पर फोटोशूट कर रहे थे सिंस वी आर लिविंग कुर्ग नाउ इन फ्यू आवर्स. ये एक और शॉप है स्पाइसेस टी मसाला एंड ऑल का. ये आई थिंक बर्ड्स के लिए नेस्ट है, बर्ड्स के लिए नेस्ट है ये. तो गाइस अभी हम इस म्यूजियम में जाने वाले थे बट इट सीम्स इट इज क्लोज. ये जनरल थिम्मई म्यूजियम है. ये इंडियन आर्मी की एक जनरल है जो कुर्गी है, कुर्ग से. उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडियन आर्मी में, दैट्स व्हाई उनके सम्मान में ये म्यूजियम है. आई थिंक उनके घर को ये म्यूजियम में कन्वर्ट करा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज क्लोज. तो अभी हम जा रहे हैं घर, आई मीन बेंगलोर जा रहे हैं. बेंगलोर जाके कल हम चले जाएंगे.
इसका रिकॉर्ड होना स्माइल ही हाँ तो आता गया।